अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है और ये नए साल बस कैलेंडर बदला है, वैसे दिन वही है और कुछ भी नहीं बदला है। हम अभी तक कहीं बाहर गए नहीं थे और आज इतने दिन हो गए, तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। मेला एक लगा हुआ है रांची की मोराबादी में, खादी मेला वहाँ लगा हुआ है। उसके बाद हम दूसरे मेला भी जाएंगे, एक नेपाली हाउस में मेला लगता है वहाँ। बहुत ज़्यादा ठंड है, हद से ज्यादा। इतनी धूप में भी नाक बह रही है पूरी तरीके से। उसके बाद हम लोग जाते हैं और आपको वहां तक दिखाते हैं। फिलहाल तो मैं अपने घर से अभी पैदल ही जा रही हूँ, रोड पे जाऊंगी। उसके बाद अपनी दोस्तों से मिलूंगी, उनके साथ जा रही हूँ। वो मेरी फ्रेंड्स हैं और उनकी आप ही हैं, उन लोगों के साथ जा रही। घर में बहुत लोगों से पूछा लेकिन उन्होंने भी जाने के लिए मना कर दिया। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लिया जा रहा है। और हमने टिकट ले लिया है, अब हम अंदर चले। इस महोत्सव का यानी कि 8 जनवरी 2023 को समापन है। तो निश्चित रूप से आप सबके लिए बहुत सारी खुशियों के साथ ये महोत्सव आया है और आप सबके लिए कुछ न कुछ इस महोत्सव में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप इस पूरे परिसर को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में हमारी मदद करेंगे। झारखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो की आयोजन करता है मदद करेंगे। अगर आप में से कोई भी बढ़िया बढ़ते हुए देखते हैं क्या क्या है, वैसे ही आपको भी दिखाएंगे कि क्या है। लेन वाला है ना? हुए हैं, ये हमारे गांधी जी की मूर्ति है बीच में। बस इस वाले में इतना ही था। वहां से हाँ, इसको बहुत मजा आ रहा है ऐसा जमीन देख के। आराम से बेबी गिरेगा। बस यहाँ खादी के वस्त्र ही मिल रहे हैं। छूना मत बेटा, धीरे मिल गया इसका सामान। यहाँ मुझे क्या मिला? आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कालीन, कारपेट, डोरमेट सब चीज है सभी। और यहाँ पे हम हैं। ऑलरेडी बलिया मेले से बहुत कुछ आ चुका है हम लोगों के लिए, तो कुछ लेना नहीं है, बस इन लोगों ने कहा था आना है। और यहाँ पर है हमारे रांची के भगवान बिरसा मुंडा जी, मतलब उनकी पिक्चर बनी हुई है, सॉरी उनकी मूर्ति बनी हुई है। जा
से एक स्टॉल में हम लोग अंदर आ चुके हैं। बलिया मेला नहीं घूमे, उसी की वजह से यहाँ आ गए घूमने। दोनों साइड में है, यहाँ थोड़ा अंधेरा, ज़्यादा लाइट नहीं है। शाम में ज़्यादा लाइट ऑन हो जाती है हर तरफ, शाम में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ठंड भी, हमें जिंदा रहना भी नहीं मरना है। बहुत ज़्यादा हर किस्म के सामान मिलेगी, लकड़ी, लोहे, कपड़े, प्लास्टिक, सभी किस्म के सामान यहाँ मिल रही है। आ सकते हैं, लेकिन ये बस आज तक लास्ट है, तो इसलिए आप अभी नहीं आ सकते। आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइए। भैया चुके हैं। ये स्टॉल जिधर खाना है, पेट पूजा कर लो सभी। इधर है झूला, इसे कहते हैं ड्रैगन, और ये फिलहाल बंद है। अब हम कहाँ, ये फाइनली हम लोग झूले के पास आ चुके हैं। ये ब्रेक डांस है, जल्दी बोलो बोलो क्या बोलना चाहती हो। इसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, हमको भी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग झूले में बैठने आए हैं। तो वीडियो तो नहीं बनाएंगे बैठते समय, वरना अगर फोन गिर गया ना तो मिलने वाला नहीं। अब वैसे ये बता दें, ये सारा हम लोग के जाने वाले का, तो हम लोग से कोई भी टिकट नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए, बस आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग आ सकते हैं इसके बाद में मिलने। और ये हम दोनों बैठ चुके हैं, बहुत डर ब्रेक डांस पे। हाँ, ब्रेक डांस, उसके बाद हम लोग जाएंगे टावर झूले पे। ओहो, चालू हो, अंदर ही है बैठे। ब्रेक डांस झूलने के बाद हमें बहुत मजा आया, और अब हम आ चुके हैं टावर झूला में। वो किसको मामू को पत्थर से तो इसी के साथ अब हमारा यहाँ का व्लॉग एंड होता है, क्योंकि हम लोग झूला झूल के बहुत थक गए हैं। हमारी जो गुल्लो रानी है, उनका तबीयत खराब हो चुका है, और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बच गए हैं 2:30।
तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें और कमेंट्स में भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं।